हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसपीजे फैमिलीज। आप सबको इस चैनल में स्वागत है। एट फर्स्ट आप सबको गुड मॉर्निंग। आज है सावन महीने का चौथा सोमवार और आप लोग को तो मालूम ही है सावन महीने में शिव जी को जल चढ़ाना बहुत अच्छा बात है। तो मैं आया हूँ गांव का ही एक छोटा सा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। एक्चुअली मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता है, मंदिर तो मंदिर ही होता है। और ये देखिए ये है मंदिर और ये है बेल का पेड़। यही रोड से मेरा घर से आता है मंदिर तक। और बेल पेड़ का नीचे एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और यहीं पे हम लोग पूजा करता है। और देखिए पूजा करने के लिए कौन आया है, आयुषी भी आया है। पापा हाय बोल दो। हाय। और वो देखिए अभी, और ये कौन है, मुनु गायत्री। जहाँ पे भी आप पूजा करने के लिए जाए वहाँ में अपने बच्चे को जरूर लेके जाइए, क्योंकि उनको भी हमें ही सिखाना पड़ेगा कैसे भगवान की पूजा की जाती है, कैसे सम्मान सहित श्रद्धा के साथ पूजा करना चाहिए। ये सब हम ही सिखाना पड़ेगा उन लोग को, क्योंकि अगर बच्चे को आप लेके नहीं जाएंगे तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा और ऐसा ठीक नहीं है। हमारा बच्चे को हम ही उसको संस्कारी बनाना पड़ेगा, इसीलिए जितना हो सके बच्चे को साथ में ले जाइए कोई भी धर्म स्थल हो। देखिए बच्चा पार्टी, ठीक है। ठीक है, बच्चा पार्टी पूजा कर लिया, जल ढल लिया है। मैं, मेरा पापा और मिसेस पूजा कर लिया हूँ, अभी हम लोग चलेंगे घर। ठीक है, फिर मैं दुकान जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड मैं दुकान आ चुका हूँ और खुल भी लिया हूँ, देख लीजिए आप लोग। और बाहर में देखिए दो कस्टमर भी है, पान खाने आया है। ठीक है, उनको पान खिला देता है, आप लोग भी देखिए। ये देखिए उनके लिए मीठा पान बनाया है और एक पान को दो भाग कर लिया है, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है तो मीठा पान खाने नहीं सहेगा, साबुत गोटा गोटा, इसीलिए उसको तोल के हाफ हाफ कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए कैसे खाता है। तो फ्रेंड्स पान खा लिया बच्चा लोग। तो फ्रेंड कल जो हम बोला था फैन खराब हो गया, तो मुझे कुछ पता नहीं है, कल तो फैन नहीं चला था, आज देखिए फैन खुद ब खुद चलने लग गया। जस्ट खाली स्विच दिया और फैन चलने लग गया, क्या हुआ है नहीं मालूम। गर्मी तो है आज, क्या बोलता है, धीमी धीमी गर्मी है, अंदर से गर्मी है बहुत, क्योंकि आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए बाहर में बारिश गिर रहा है और दिन भी साफ सुथरा नहीं है। देखिए बारिश गिर रहा है अभी।
हनुमान मंदिर, सामने दोनों दुकान खोल दिया है और बारिश गिर रहा है। देखिए आप, जितना गर्मी लग रहा था सुबह सुबह, अभी गर्मी से सब आदमी को राह मिल गया है, बारिश आ गया है। देखिए यही है असम का क्लाइमेट, ज़्यादा गर्मी कभी होता नहीं है, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो तुरंत ही बारिश आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए असम का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और मैं हूँ तेजपुर से और बारिश गिरते हुए देखिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं काट रहा हूँ सुपारी, देखिए। तो आज है श्रावण महीने का चौथा सोमवार, आप लोग को मैं बोल चुका हूँ और मैं भी जल चढ़ा के आया हूँ। तो आप लोग से एक मेरा सवाल, या सवाल भी नहीं, शायद आप जानते हो या नहीं जानते इसीलिए बात बोल रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि नहीं है शिव जी का कितना संतानें हैं और बेटा कितना है और बेटी कितना है शिव जी का? ये सब जानने के लिए मेरा वीडियो में आप बने रहिए। तो शिव जी का 6 संतानें हैं, आमतौर पर हम कार्तिकेय और गणेश को ही जानता है, उसके अलावा और 4 संतानें हैं शिव जी का, 3 बेटा और 3 बेटी है। भगवान शिव की पूजा कोई मनोकामनाओं के साथ की जाती है। अगर घर की सुख शांति की बात हो या संतान प्राप्ति की बात हो तो भगवान शिव जी का परिवार का पूजा किया जाता है। शिव जी का भक्त दरअसल अधिकतर जानते हैं कि शिव जी का 2 बेटे और 1 बेटी है। दरअसल शिव जी का 3 पुत्रियां और 3 बेटे हैं। शिव जी का 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय को सब जानते हैं, पर तीसरा पुत्र भगवान अयप्पा है, उसको दक्षिण भारत में बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है और बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं, उनको बहुत मान्यता है दक्षिण भारत में। और उनका जो 3 पुत्रियां है वो सब है, शिव जी का 3 पुत्रियां है अशोक सुंदरी, दूसरी पुत्री है ज्योति या ज्वालामुखी और तीसरी पुत्री है मनुष्या या वासुकी। तो जो अशोक सुंदरी है उसका गुजरात में बहुत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है और बहुत मंदिर है, और ज्योति है, ज्योति का नाम ज्वालामुखी भी है, उनको तमिलनाडु में कोई मंदिर है ज्वालामुखी का, और उन ज्वाला ज्योति ज्वालामुखी देवी को वहाँ में पूजन किया जाता है। और जो है मनोसा या वासुकी, उनको पश्चिम बंगाल या असम में कोई राज्यों में बड़ी ही सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। यही है 3 पुत्रियां और 3 बेटे। फ्रेंड शाम का 5 बज चुका है और मैं अभी दुकान बंद करूंगा क्योंकि आसपास का सारे दुकान बंद हो चुका है, तो यहां से तो दिखाई नहीं देगा। हम थोड़ा कैमरा सामने लाते हैं, ये देखिए दुकान सारा बंद है। तो फ्रेंड अभी मैं भी दुकान बंद करूंगा क्योंकि 5 बज चुका है। आज का पहेलिया है, जो पहेलिया अभी से मेरा वीडियो में डेली एक पहेलिया रहेगा। तो आज का पहेलिया है, दिन में सोया रात में रोया, जितना रोया उतना खोया, मैं कौन हूँ भाई? तो ये पहेलिया का जवाब आप दीजिएगा और इसका जवाब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसे छोटा छोटा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल में आप सबको स्वागत है, और अगर ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के लिए आप सभी से बाय बाय, जय हिंद।